अंडरसा बनाने के लिए आधा कप चावल का आटा मैंने ले लिया है एक बाउल में, और आधा कप ही मैं गेहूं का आटा ले लूंगी। आधा कप गेहूं का आटा, इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इसमें अब मैं इलायची का पाउडर डाल दूंगी। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं 1 कप जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। आप गुड़ भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। जितना हमारा चावल और आटा होता है उतना ही हमें ये गुड़ डालना होता है। तो अब 1 कप गुड़ डाला है तो 1 कप ही इसमें पानी भी डालूंगी। अब इसे हमें कुछ नहीं करना होता, जब ये गुड़ पानी में घुल जाए तब हमने ये जो चावल का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके रखा है वो इसमें हम डाल देंगे। गुड़ को टाइम लगता है घुलने में, ये जैगरी पाउडर था तो ये आसानी से घुल गया। अब ये घुल गया है तो अब इसमें हम ये अपना चावल का आटा और जो ये मिक्स करके रखा है वो सब डाल देते हैं और कंटिन्यू हम इसे चला लेंगे। अभी से अच्छे तरह हम चलाते रहेंगे जब तक ये डो की फॉर्म में नहीं आ जाता है और जो इसकी गांठ वगैरह है वो भी हम खोल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालते हैं जिससे ये अपनी साइड छोड़ देगा। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से जो भी हमारा सारा बैटर है एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब जो हमारा ये डो बन गया है इसमें हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। आप कद्दूकस करके नारियल भी डाल सकते हो। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं जो हमने नारियल का बुरादा डाला है। अगर आपका आटा थोड़ा सा ढीला रह जाए तो आप कढ़ाई की कढ़ाई में ही या तो थोड़ा सा आप आटा मिला लेना या फिर आप थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल लेना। नारियल नारियल से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, जो गीलापन होता है, वो सारा सूख जाता है। अब हमारा बैटर तो तैयार हो गया है तो मैंने थोड़े से तिल ले लिए हैं, इसमें हम कोट कर करके प्लेट में रख देंगे। उससे पहले हम हाथों को तेल से ग्रीस कर लेंगे जिससे हमारी तेल या घी से गोलियां चिपके नहीं। तो अब हम नींबू के आकार की छोटी छोटी गोलियां तोड़ लेंगे। अब जैसा मर्जी साइज रख सकते हो इनका, छोटा या बड़ा। अब हमें क्या करना है, इसकी कोटिंग कर लेनी है। तिल में मैं इसकी कोटिंग कर लेती हूँ। इसे प्लेट में रख देती हूँ। इस तरह से हम सारी गोलियाँ बना लेते हैं। इस तरह से मैंने सारे अनरसा तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, तेल को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। फिर इसमें हम अपने अनरसा फ्राई करेंगे और अनरसा डालते हमें छेड़ने नहीं है। थोड़े से दूर दूर पे ही अगर सेटल हो जाए तब हमें इन्हें कलछी कलछी डालनी है इनमें। इस तरह से
मैंने जितने इसमें तेल में सेट हो गए थोड़ी थोड़ी दूर में अंदर से डाल दिए हैं। एक घान और हम डाल देंगे तो हमारे सारे सारे अंडरसा तैयार हो जाएंगे। अब इसको हम पलटते रहेंगे, जो सिकने लगे उनको हम पलट देंगे। हमने इसमें तिल की कोटिंग बहुत सारी की है तो तिल भी निकल रहे हैं। आप थोड़ी थोड़ी कोटिंग भी कर सकते हो, या एक काम कर सकते हो आप आटे में ही तिल डाल लीजिए और मिक्स करके गोलियां बना लीजिए तो ये तिल तेल में नहीं निकलेंगे। इस तरह से जो सिकने लगे हैं अंडरसा हम उन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। देखिए कितना सुंदर इसका कलर आ गया है। जब कलर आ जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। अंडरसा बनकर तैयार हो गए हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और जल्दी ये बन जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा भी इन्हें तलते नहीं जाना, नहीं तो इनमें ऑयल भरता जाएगा। जब आपको लगे इनका रंग डार्क होने लगा है तो बस आप उतार लेना। बहुत इजी रेसिपी है, आप भी इस तरह से आप ट्राई करना और अपने फीडबैक देना। और मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।